अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ये फ्रॉक तैयार की है जिसमें हमने इसकी बॉडी दी है, ठीक है। ये इस शेप में हमारी ये बॉडी आ रही है, उसके नीचे हमने इसके चुन वाले पीस दिए हैं, ठीक है। और जो बैक की बॉडी हमारी छोटी है, सीधी है, उसके बाद हमने इसके चुन वाला पीस दिया है नीचे का। और स्लीव्स भी हमने इसका आगे चुन लगाइए, ठीक है, इलास्टिक लगाइए। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉक हमने किस तरह तैयार की है। अब ये देखें, हमने इसकी ये सेटिंग की हुई है बॉडी, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये देखें, ये बैक की हमारी बॉडी है, बैक की बॉडी हमारी छोटी है, इसकी लंबाई हमने 7 इंच ली हुई है, ठीक है। और इसकी जो फ्रंट की बॉडी है, फ्रंट की बॉडी हमारी लंबाई है इसकी 16 इंच, ठीक है। बैक की 7 इंच, फ्रंट की 16 इंच। तो बॉडी हमने इसी तरह एक साथ मिला ली सेट, ऊपर से हमने इसको बराबर रखा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर की सेटिंग आएगी, नीचे जो है ना हमारी बॉडी नहीं आएगी बैक की, मतलब नीचे तक कमर तक नहीं आएगी, ठीक है। और ये हमारे नीचे वाले पीस हैं जिसपे हमारी चुन आएगी, ये मैंने डबल किए हुए हैं, ठीक है। ये 2 पीस हैं बैक का और फ्रंट का, तो ये मैंने डबल किए हुए। और इसकी चौड़ाई हम नाप लेते हैं कितनी है। डबल किए हुए तो 20 इंच आ रहा है, अगर मैं सिंगल करूंगा तो 40 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसकी बॉडी की पहले कटिंग करनी है, उसके बाद हमने इस पर चुन देनी है। तो हम स्मॉल साइज बना रहे हैं, स्मॉल साइज के हिसाब से साइज से है ना इसके सारे मेजरमेंट लगा लेंगे। शोल्डर का निशान हम इसका 7 इंच पे लगा लेंगे, आर्म होल का निशान भी 7 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। बाकी जहाँ तक हमारी बॉडी आ रही है, वेस्ट की जगह हमारी है, और इसके चेस्ट का निशान 9 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। जितना चेस्ट रखा वेस्ट भी हमने उतनी रखनी है 9 इंच पे। ये 7 इंच का निशान लगा हुआ है, तो इस जगह भी हम इसे 7 इंच का निशान लगा लेते हैं ताकि सीधा हमारा निशान आ जाए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी बॉडी की कटिंग हो गई। अब इस पर हम चुन देंगे इस हिसाब से, 9 इंच हमने निशान लगाया इसका, 9 9 18 इंच बनता है, ठीक है। 18 इंच तक हमारी चुन आनी चाहिए, साइड में हमारा एक एक इंच का सादा दबाव होना चाहिए। अब ये देखिए, मैंने चुन दे दी इसकी, ठीक है, 18 इंच की हमारी चुन आ रही है, बाकी साइड में मैंने थोड़ा थोड़ा सा सादा छोड़ दिया इसका। अब देखें, ये जो बॉडी, ये जो हमने इसे नीचे वाला पीस लिया है, ये हमने फ्रंट की बॉडी के हिसाब से नहीं लिया, बैक की बॉडी के हिसाब से इसकी लंबाई पूरी की है, ठीक है। यहाँ से इस तरह जब जुड़ेगा तो हमारी लंबाई बैक की बॉडी से पूरी होगी। ये फ्रंट की बॉडी जो है ना हमारी, ये हमने इसकी लंबी काटी हुई है, लेकिन अभी हमारी कटिंग होगी, ठीक है। जो आपका मेजरमेंट आएगा वो बैक की बॉडी से आएगा, फ्रंट की बॉडी से नहीं आएगा। अब देखें, हमने इसकी बुकरम ली हुई है, ये देखें, ये बुकरम मैंने ली हुई है, डबल की हुई है। इसकी जो बॉडी की लंबाई है फ्रंट की, उसी लंबाई से मैंने जो है ना इसकी, ये देख, इतनी लंबी मैंने बुकरम ली हुई है इसकी, और चौड़ाई भी इसकी इतनी ही है तकरीबन। ये देखिए, चौड़ाई भी इसकी इतनी है, बराबर है, ठीक है। तो अब हमने इसकी बुकरम पे गला काटना है। अब देखिए, ऊपर जो मैं इसका निशान लगा रहा हूँ, मैं स्मॉल के हिसाब से लगा रहा हूँ, ठीक है, 3.25 इंच पे मैं इसका निशान लगा रहा हूँ। आप जितना फैलाव पहनते हो उतना ही आप इसका निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका डीप का निशान लगा रहा हूँ 7 इंच पे, 6.5 इंच हमारा गला तैयार होगा, ठीक है। अब हमने इसका यहाँ पे निशान देना है, बिल्कुल सीधा नहीं देना, ठीक है, थोड़ा सा शेप में देना हमने। इस तरह शेप आ जाएगा, ठीक है। अब इस निशान को हमने यहाँ तक के मिलाना है, ये भी हमारा बिल्कुल सीधा नहीं आएगा। अब भले यूँ इस तरह स्केल रख लें, ये देखें, ये हमारा सीधा आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह शेप देना है, ये इस तरह शेप आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली इसकी,
अब इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। अब ये देखिए मैंने ये जो है गला चिपका दिया, ठीक है, ये हमारा वी गला आ रहा है। यहाँ बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया ताकि हम सिलाई लगा सकें इसे, ठीक है। ये साइड, इस साइड से हमने इसकी कटिंग करके इसे प्रेस कर लिया। अब इसे हम बॉडी पे जो है ना अटैच कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की बॉडी है, तो इसका हमने ये सेंटर किया हुआ है, ठीक है। फ्रंट की बॉडी के सेंटर के साथ हम इसका सेंटर भी ला लेंगे। इसकी जो हम इसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई लगा के इसकी कटिंग करके इसे पलट लेंगे। देखिए गले पे मैंने सिलाई लगा के इसकी कटिंग करके पलट के तुरपाई कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो नीचे वाला पीस था जिसपे हमने चुन देनी थी, ये देखिए ये मैंने चुन दे दी इसकी, ठीक है। अब इसकी हमने सेटिंग किस तरह करनी है, विषम यहां से इस तरह डबल करके बिछा लेंगे। यहां से हम इसे सेट कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अब ये पीस हम इसके साथ इस तरह रख लेंगे। ये जितनी हमने इसकी लंबाई ली थी ये चीज हमारी जो है ना आर्मोल पे आएगी, ठीक है। ये इस तरह आएगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। इसके पहले निशान लगा लेते हम। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसका दबाव रख के हमने कटिंग करनी है। फिर इसकी जो है ना हमने चुन देनी है, चुन हमने इस हिसाब से देनी है। इसको हम नाप लेते हैं, ये हमारी आ रही है तकरीबन 13.5 इंच, ठीक है। तो एक साइड की हमारी 13.5 इंच आएगी, फिर दूसरी साइड की भी इसी तरह 13.5 इंच आनी चाहिए। ये हमने इसलिए किया कि ये आसान तरीका है हमारा, ठीक है। अगर हम पहले इसकी कटिंग कर लेते तो इस शेप का हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। इसका अंदाजा इतना नहीं होता हमें, तो नीचे से हमारा कहीं से ऊपर हो रहा था, कहीं से नीचे हो रहा था, ठीक है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा हो रहा था घेर हमारा। तो ये अभी इससे हम कटिंग कर लेंगे, फिर इसे हम यहाँ पे चुन दे देंगे। 13.5 इंच इस साइड पर आएगी, 13.5 इंच दूसरी साइड पर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इसका निशान लगाया, इससे मैं दबाव रख के कटिंग कर रहा हूँ। ये आ गया, ठीक है। अब इसकी हम चुन दे देंगे। ये मैंने चुन दे दी इस पे, ठीक है। मैंने उसी शेप में रख दिया जिस शेप में इसको आना चाहिए। अब इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे बॉडी को। इस तरह आएगी हमारी, ठीक है। और इसके साथ हम लेस लगा लेंगे, किसी भी कंट्रास्ट की लेस लगा सकते हैं आप। इसके नीचे यहाँ पे इस तरह लेस लगा के रख के यहाँ पे लपकी सिलाई लगा लेंगे, पूरी इसी तरह लगाते हुए आ जाएंगे, ठीक है। नोक यहाँ पे हम इसे बराबर मिला लेंगे, नोक में गैप नहीं आएगा हमारा, इसी तरह मिलाते हुए आ जाएंगे पूरी। अब ये देखें मैंने बॉडी लगा ली इसके साथ, लेस भी मैंने इसके साथ बॉडी के साथ लगा ली, ठीक है। अब ये हमारा जो मेन काम था वो हो गया। अब जो हमारा नॉर्मल काम है वो रह गया। इसका हम बैक का गला बना के शोल्डर जोड़ लेंगे, इसकी साइडों की सिलाई लगा के नीचे फिनिशिंग लगा लेंगे और इसकी स्लीव्स लगा लेंगे। अब ये देखें मैंने इसे जो है ना कंप्लीट कर दिया। अब इसकी ये बैक की बॉडी के साथ मैंने इसके चुन वाला पीस जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी चुन वाला पीस थोड़ा सा काट दिया इसका आर्मोल के हिसाब से, ठीक है, सेटिंग से काट दिया इसका। और बैक में भी हमने इसकी लेस लगा दी। उसके बाद हमने इसके बैक का गला बना के शोल्डर जोड़ लिए, साइडों की सिलाई लगा ली और नीचे हमने इसकी फिनिशिंग लगा ली और ये इसकी स्लीव्स हमने बना ली। आगे हमने इसकी चुन दे दी, ठीक है। ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई।